आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi, let's read the question. Question kehta hai, when 0.01 mole of an organic compound containing 60% carbon was burned, 4.4 gram of carbon dioxide was produced. Molar mass nikalna hai aapko in gram per mole. To agar iski hum baat karte hain, to aapka jo compound hai uska molar mass to jo hai wo hame nikalna hai basically. To ab sabse pehle kya karte hain, moles of carbon nikalte hain. Carbon ke moles kya honge, dekho carbon ke liye aapko 0.01 मोल्स तो दिए हैं, है ना? लेकिन 0.01 इनटू m इसका मोलर मास हो जाएगा डिवाइड बाय 12, लेकिन 60% ही बन किए जा रहे हैं, इसलिए इनटू 60 बाय 100 हो जाएगा, ठीक है? ये m आपका मोलर मास है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ से पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कंबशन से आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, 4.4 डिवाइडेड बाय 44। ये भी क्या है, मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जब कम्प्लीटली हुआ था तो उसका 60% वो बर्न हुआ था, विच मीन्स दैट 4.4 डिवाइड बाय 44 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 0.01 एम डिवाइडेड बाय 12 इनटू 60%। तो यहाँ से जो आपके पास एम निकल के आएगा वो हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100 डिवाइड बाय 60 इनटू 12 डिवाइड बाय 0.01। यहाँ से मोलर मास निकल के आ जाएगा 200 ग्राम पर मोल, राइट? तो मोलर मास ही आपको इस क्वेश्चन में निकालना था और इसी तरीके से हमने इसको निकाल दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज 200 ग्राम पर मोल। दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।